AKTU यानी कि AKTU की और सेमेस्टर फेस वन की परीक्षाएं जो कि आपकी 4 जनवरी 2023 से शुरू होकर के 25 जनवरी 2023 तक जारी रहेंगी, तो उसके लिए एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या लेकर जाना होगा उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यानी और सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी कल से शुरू हो जाएंगे, तो स्पेशल कैरी ओवर का परीक्षा परिणाम अभी जारी नहीं हुआ जिससे कि हज़ारों संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए, तो जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा। आईडी प्रूफ के साथ साथ स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा जो कि ड्यूली साइंड होगा आपके डायरेक्टर कॉलेज की स्टैंप और डायरेक्टर की तरफ से। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो आपका परीक्षा फॉर्म है यानी कि जो परीक्षा एडमिट उसमें एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड होगा उसमें आपकी फ़ोटो वगैरह होनी चाहिए। फ़ोटो वगैरह के साथ में अगर किसी की फ़ोटो रॉन्ग है नहीं होती है तो स्टूडेंट्स को उसमें अपना कॉलेज से स्टैंप और वेरीफाई करा करके फ़ोटो वगैरह लगानी चाहिए। जिसके साथ में ही आप अलग से देख सकते हो कि स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड रहेगा वहाँ पर अटेंडेंस स्टूडेंट्स की डिजिटली मार्क की जाएगी यानी कि फेस डिटेक्शन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जा रहा है।